हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे। हमारा प्रश्न क्रमांक 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। हमारे पास पहला है 2691, दूसरा है 510 और 92, तीसरा है 336 और 54। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं और उसको हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 2691। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। हल, तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 26 का गुणनखंड करते हैं। तो 2 13 2 26, 13 1 13। अब 91 का गुणनखंड करते हैं तो 7 13 7 91, तो 7 13 13 1 13। तो एचसीएफ, चलिए अब इसका गुणनखंड देख लेते हैं। तो 26 का होगा हमारे पास 2 गुणे 13 और 91 का होगा 7 गुणे 13। और जो ये दोनों में जो सेम रहता है, जो दोनों में रहता है, ये जैसे इसमें 13 दोनों में है, तो ये इसका एच सी एफ होगा। तो चलिए लिखते हैं एच सी एफ बराबर 13, क्योंकि जो दोनों में रहेगा वही एच सी एफ होगा और एल सी एम जो बच जाएगा ये सब एलसीएम हो जाएगा। यानी कि एक ये और ये, एक 13 तो एचसीएफ में चला जाएगा। तो जो एचसीएफ होगा उसको छोड़कर, यानी कि इसमें 13 दो है तो एक को छोड़कर जो बचेगा वो एलसीएम हो जाएगा। यानी कि 2 गुणे 7 गुणे 13, 13 7 91, तो 182 182, ये इसका हो जाएगा एलसीएम। चलिए अब इसका जांच करते हैं। जांच में हमने देखा था, हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये दिया था ऊपर। अब चलिए 26 और 91 का गुणा बराबर होगा किसके, एचसीएफ 13 और 182। तो अब चलिए गुणा करके देख लेते हैं हम। तो गुणा करते हैं, 26 और 91 का गुणा करेंगे, 6 कन्ने 6 और 1 2 2 26 और 9 6 54 हासिल 5, 9 2 18 18 5 23। तो 6 4 2 6 3 9 2, ये होगा 2366। इसका होगा। और उसके बाद अब 13 और 182, तो इसको करते हैं 182 और 13 का। चलिए 13 3 2 6 8 3 24 4 हासिल 2 3 1 3 3 2 5 और 2 8 8 1 1, 6 4 2 6 8 5 13 3 और 1 1 2, 2366। यानी ये दोनों बराबर आया, यानी कि सिद्ध हुआ। तो लिख देंगे
अतः यह सिद्ध हुआ। ना लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन लिख देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। चलिए अब बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की तरफ, और हमारा दूसरा है 510 और 92। 510 और 92 हमारा दूसरा है, तो चलिए इसको भी हल करते हैं जल्दी से। हल इसका गुणनखंड करेंगे, तो सबसे पहले 510 का करते हैं गुणनखंड। 510 दो से जाएगा, तो 10 का 5 और 50 का 25, 255। 255 हो जाएगा। फिर अब तीन से करेंगे तो 85 बार जाएगा, और उसके बाद अब करते हैं 5 से, तो 17 5 85, 17 बार, और फिर 17 1 17, यानी इसका हो जाएगा 510 का हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 17, और 92 का करना है, तो चलिए 92 का भी कर लेते हैं गुणनखंड। तो 92 का 2 से करेंगे तो आएगा 45 46, 46, और फिर 2 से करेंगे तो आएगा हमारे पास 20 3 23, और फिर 23 1 23, तो इसका हो जाएगा 2 × 2 × 23। इसका 2 × 2 × 23 हो जाएगा। अब इसका एच सी एफ हमें पता है, इसका एच सी एफ होगा जो दोनों में मिलेगा, तो दो दोनों में मिल रहा है, दो ही मिल रहा है, तो इसका एच सी एफ 2 होगा, एच सी एफ बराबर 2। और एल सी एम, इसका एल सी एम होगा 2 × 3 × 5 × 17 × 2 × 23, ये होगा हमारे पास 23,460, 23,460 होगा। तो चलिए अब इसका जांच करते हैं, तो जांच करेंगे तो अब ये लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। बराबर एच सी एफ गुणे एल सी एम। ठीक, तो अब इसका यहाँ पे हो जाएगा 510 और 92। इसका गुणा करेंगे, तो चलिए गुणा करके देखते हैं कितना आता है। तो इसका गुणा करेंगे हम 510 × 92, तो इसका होगा 2 0 का 0, 2 1 2, 5 2 10, और 9 का 0, 9 1 9, 9 45, तो इसका होगा 0 0 2 9 5 1 6 4, 46,920, इसका होगा 46,920। तो लिखेंगे 46,920 बराबर में ये होगा 2 × 2 3 4 6 0, 23,400। तो इसका भी जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 0 का 0
सदुना 12, 12 का 2 और 4 दूना 8 एक 9, 3 दूना 6 और 2 एक करने, नहीं 2 दूना 4, 46,920। ये भी सिद्ध हो गया, सिद्ध, ये भी सही है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 336 और 54, इसको हम हल करते हैं। तो चलिए फटाफट हल कर लेते हैं। तो इसका गुणनखंड करेंगे, तो इसका गुणनखंड सबसे पहले हम 336 का गुणनखंड करेंगे। तो 336 का गुणनखंड दो बार जाएगा तो आएगा 168, फिर दो बार जाएगा तो 8 का 4, 8 दूना 16 84, फिर 2 से जाएगा तो 4 का 2 और 8 का 4 42, फिर दो बार जाएगा तो 4 का 2 और 2 का 1 21। अभी 21 तो 2 से कटेगा नहीं, 3 7 3 21 3 तो 7 और 7 इक्कीस 7। अब 54 का 54 2 27 दो ना 54 27 3 3 की 9 तो 3 3 की 9 3 3 की 9 और 3 एक करने 3। ये हो गया हमारे पास 300। अब देखिए 336 का होगा हमारे पास 336 का होगा 2×2×2×3×7 और 54 का होगा 2×3×3×3। अब इसमें देखिए एक 2 दोनों में है और 3 दोनों में है, तो इसका HCF होगा HCF बराबर 2×3 बराबर 6 और LCM होगा 2×2×2×2 1, 2, 3 और 1, 4 और फिर 1, 2, 3 3×3×3×7। इसको हम हल करेंगे तो आएगा हमारे पास कितना आएगा 3024 शायद 3024 आएगा 3024। अब जांच करते हैं, तो जांच करेंगे, जांच तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो इसका होगा हमारे पास 336×54 बराबर LCM हमारे पास होगा 6×3 3024। अब हम गुणा करते हैं 336 और 54, 6×6=24 हासिल दो 4×3=12 12×2=14 और 4×3=12 12×1=13 और उसके बाद फिर अब 5×6=35 को 0 हासिल 3 5×3=15 3×18=8 हासिल 1 और 5×15=16। तो ये होगा हमारे पास 4 4 8×3=11 हासिल 1 6×1=7 हासिल 8 और ये 18,144 बराबर। अब इसका गुणा करते हैं
6 × 3024, तो 6×6=24, हासिल 2, और 6×2=12, 14, हासिल 1, 6×0=14 है ना, तो 14 हो जाएगा, और 3×6=18, यानी 18,144, 18,144, ये हमारा सिद्ध हो गया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।